नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका किट्टू बावर्ची यूट्यूब चैनल में। और आज हम होल चिकन को रोस्ट करेंगे ओवन में। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। देखें एक बार, आप एंजॉय करें। सबसे पहले एक मैरिनेट तैयार करता हूँ मैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल में ये नमक, और इसके साथ ही मैं डालूँगा इसमें थोड़ा सा चार काली मिर्च का पाउडर। ये आ गया हमारा काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, इससे अच्छा सा कलर आएगा चिकन पे, थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और कलर के लिए भी मिर्ची अच्छी है। साथ ही इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा ये डार्क सोया सॉस, लगभग एक चम्मच से करीब। साथ ही इसमें जाएगा ये थोड़ा सा हल्दी एक चम्मच से करीब। शायद ये चिकन पे अच्छा सा कलर आएगा, ये ब्राउन कलर चिकन के ऊपर उभर के आएगा बेक होने के बाद। वो इसी हनी और लाल मिर्च की वजह से आएगा, तो थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, हल्का मीठा मीठा। साथ ही मैं इसमें फ्लेवर करने के लिए थोड़ा सा गार्लिक क्रश करके डाल दिया हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा, और साथ ही मिक्स करते के समय हमने इसमें मैं डालूँगा इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, लगभग एक चम्मच के करीब। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा एक बार, और ये मैरिनेट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इस मैरिनेट को मैं रख देता हूँ एक तरफ। अब ले आता हूँ अपना चिकन। ये मैंने पूरा चिकन लिया है 800 ग्राम का। इसको अच्छे से मैंने धो के साफ कर लिया है, और इसको अच्छे से साफ करने के बाद इसको मैं मैरिनेट करके एक तरफ रखूँगा साइड में। ये मैंने मसाला मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, और इसको अच्छे से सब जगह रब करना है, अच्छे से गिरा के इसको मैं रब कर देता हूँ। बताऊँ कि चम्मच से कितना काम कर गया, हाथ से सही है, टकाटक काम हो गया। ये चिकन हो गया अच्छे से मैरिनेट। चिकन को रखता हूँ मैं एक तरफ साइड में। साथ ही इस चिकन को मैं कुछ सब्जियाँ, जो भी मेरी मनपसंद सब्जियाँ, उन सब्जियों को भी रोस्ट करूँगा। जैसे ये कुछ प्याज के टुकड़े, गार्लिक के टुकड़े, ये हरी मिर्च, थोड़े अदरक, थोड़े से नींबू के टुकड़े, साथ ही इसमें थोड़े से गाजर, टमाटर, ये कुछ अच्छी सब्जियां हो गई। साथ ही इसमें थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, थोड़ा धनिया का पत्ता, और ये थोड़ा सा इसमें मैरिनेशन जो बचा हुआ मैरिनेशन है, दो तीन चम्मच का मसाला मैं इसमें डाल दूँगा।
ये चिकन देखिए कितना अच्छा कलर है। अगर ये स्वाद आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।